एग्रीकल्चर कैमरर्स एसोसिएशन जिले कोपारा की तरफ से एक जिला कन्वेंशन मुनक्कद हुआ है। मैं इस मौके पे आपकी मसादत से मरकजी सरकार और यूटी सरकार से मोदवाना अपील करता हूँ, जम्मू कश्मीर एम्प्लॉय फेडरेशन कमेटी और टीयूसीजी के मसाद माध्यम से की तरफ से कि जम्मू कश्मीर में काम करें 21,000 से जायद आरजी वर्क के हक में मिनिमम वेज एक्ट जो पूरे देश में लागू है वो लागू किया जाए। ये आरजी वर्करान जो है पिछले 25 सालों से कसम परसी की जिंदगी बसर कर रहे हैं। इन्होंने मुश्किल हालात में मुश्किल वक्त में यहाँ पे सरकारी कामकाज को अंजाम दिया है, पब्लिक की जो है खिदमत की है, लेकिन अभी तक ये मिनिमम वेज एक्ट से वंचित है। जब से आर्टिकल 370 और 35A की अप्रोवेशन हुई है और यहाँ पे ये मरकजी जेर इंतजाम इलाका बनाया गया है और मरकज के सारे कानून जो है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे इन्वोक हो गए, लेकिन मिनिमम वेज एक्ट जो है वो अभी तक लागू नहीं हुआ। जम्मू में हाल ही में हमारे ऑनरेबल ह्यूमन साहब आए थे, उन्होंने भी वहां पे ऐलान किया है कि हमने जम्मू कश्मीर में मिनिमम वेज एक्ट और जो सफाई कर्मचारी एक्ट है वो लागू किया है, लेकिन अभी तक कागजों में वो वादा हमको दिख नहीं रहा है, वो हवाई वादा दिख रहा है हमको। लिहाजा मैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी से, होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी से और लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ऑनरेबल मिनिस्टर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट श्री उपेंद्र यादव जी से मोदबना अपील करता हूं कि जम्मू कश्मीर में अभी भी जो है मिनिमम वेज एक्ट जो है वो लागू नहीं किया गया है। ये वर्करान जो है कसम परसी की जिंदगी बसर कर रहे हैं, इनका जो आला याल है वो फाका कुशी से दो चार है। लिहाजा मेरी गुजारिश है कि जम्मू कश्मीर में 21,000 से जायद आरजी वर्करान के हक में जो है मिनिमम वेज एक्ट लागू किया जाए और साथ ही में उनके हक में रेगुलेशन पॉलिसी जो है वो मुरतब की जाए ताकि इनकी नौकरियों को बाकायदा बनाया जा सके। और इसके अलावा मैं डायरेक्टर एग्रीकल्चर से बहुत बड़ा अपील करता हूं कि जो उन्होंने पांच दिन जिसने काम किया है उसको 7 दिन का पे मिलना चाहिए। मैं इस ऑर्डर का वेलकम करता हूं और उनसे अपील करता हूं कि इनकी जो वेजेस है वो रुकनी नहीं चाहिए, मंथली जो है उनकी वेजेस वो मिलनी चाहिए और जिसने 5 दिन दिए उनको 7 दिन मिलने चाहिए, क्योंकि ये आरजी वर्करान जो है कसम परसी की जिंदगी में मुबतला है और ये सारा काम काज जो है एग्रीकल्चर का वो देख रहे हैं, चाहे वो फार्म्स में है, चाहे वो फार फ्लंग एरियाज में है, वो रूरल एरियाज में है, चाहे वो काम कर रहे हैं और एग्रीकल्चर का सारा काम जो है वो देख रहे हैं। और यहाँ पे आपके मसदत से और एक बात मैं कहना चाहूंगा कि यहाँ पे पिछले कई सालों से फास्ट ट्रैक बुनियाद पे रिक्रूटमेंट नहीं हुआ है और इन्हीं आरजी वर्करों ने जिनको एंगेज किया गया था उन्हीं ने वो काम निभाया है, लिहाजा सरकार के पास कोई वो बहाना नहीं है कि वो उनकी सर्विस को रेगुलर न करे। लिहाजा मेरी गुजारिश है कि इनकी सर्विस को रेगुलर किया जाए और जो इनकी वेजेस है वो माहाना तौर पर इजाफा की जाए।